आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे ना ही आज ओवन में बनाएंगे और ना ही कुकर में और ना ही कढ़ाई में। जी हाँ, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। मैंने इसे इस तरह से स्लाइस में काटा है, लग रहा है ना बिल्कुल ब्रिटानिया केक की जैसा। जी हाँ, और आप इसका जालीदार देख रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट आया है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी यूज़ नहीं किया है और ना ही इनो यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही परफेक्ट टी टाइम हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, और अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और आज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह की रेसिपी मैं लेके आती हूँ। तो चलिए शुरू करें। आज हम इस केक को पतीले में बना रहे हैं। जी हाँ, ये जो सॉस पैन है ना, सभी के घर में होते हैं, इसमें चाय बनती है, तो आप देख सकते हैं। और जब भी आप पतीले लेना तो थोड़ा सा भारी तले वाला ले, तो आप देख सकते हैं मैंने भारी तले वाला यहाँ पे सॉस पैन लिया है। अगर नहीं है इस तरह से तो आप जो एल्युमिनियम के तो वो भी ले सकते हैं, स्टील की भी ले सकते हैं। देखिए स्टील के कटोरी जो है ना, इस तरह से भी ले सकते हैं, और नहीं तो सॉस पैन भी ले सकते हैं। लेकिन जो स्टील की कटोरी है ना, तो इसमें आपको नीचे स्टैंड रखना होगा, लेकिन इसमें स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जो सॉस पैन है थोड़ा सा भारी है, तो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है स्टैंड। तो मैं आगे और भी टिप्स आपको बता दूँगी बेकिंग के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है, और इसे चारों तरफ से अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना। इसमें कोई भी हम डस्टिंग नहीं करेंगे, बस सिंपल सा कोई भी वाइट पेपर ले ले आप इसे, और इस सॉस पैन के नाप से आप इसे गोल कट कर ले, और इस तरह से हमने यहाँ पे बिछा लिया है ताकि जब केक को डिमोल्ड करें तो आसानी से निकले। तो देखिए हमारे पहले ये रेडी है। अब हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक छन्नी ली है, और उसमें हम डालेंगे एक कप मैदा। जी हाँ, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, लेकिन आज हम इससे मैदे से बना रहे हैं। तो एक कप ले ले, कोई भी एक कटोरी सेट कर ले, उसी कटोरी से आप सारा ही मेज़रमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है। साथ में एक चौथाई हम यहाँ पर ले लेते हैं वनीला कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, इसमें कॉर्नफ्लोर होता है। कॉर्नफ्लोर क्या होता है ना, बाइंडिंग का काम करता है, तो इसलिए इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क या एक नहीं डलेगा, और उसकी के रिप्लेसमेंट का ये काम करता है कॉर्नफ्लोर। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक चम्मच बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, साथ में आधी चम्मच और, तो डेढ़ चम्मच हमें यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लेना है। तो आप सही नाप से यहाँ पर ले, इस तरह से बेकिंग पाउडर डाल लिया। अब इसे हम अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं एक टीस्पून है यहाँ पर लिया का मेज़रमेंट हमने लिया। अब इसे अच्छी तरह से हमें यहाँ पर सीव कर लेना है। जी हाँ, तो इसे मैं दो बार करूँगी। जी हाँ, आप इसे दो या तीन बार करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लफी बनते हैं और बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं। तो देखिए एक बार हमने कर लिया है, एक बार इसे हम और कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर है था ना इसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लिया, एक बार और कर लेते। अब ये देखिए एक बार हम इसे और अच्छी तरह से सीव कर लिया है हमने। अब दूसरी तरफ हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है। जी हाँ, मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देते हैं आधा कप चीनी। जी हाँ, आधा कप चीनी, और साथ में दो चम्मच चीनी और डालेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो बस एक कप, आधा कप काफ़ी है, दो चम्मच ना डालें एक्स्ट्रा, और ज़्यादा खाते हैं तभी डालें। इसे ग्राइंड कर लें। चीनी को अच्छी तरह से यहाँ पे हमने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये चीनी हमारा हो गया। अब यहाँ हाफ कप हम यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं। ऐसा तेल डालें जिसमें खुशबू नहीं आती, तो स्मेल नहीं आती हो, सरसों का तेल यूज़ नहीं कीजिएगा बस। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं हाफ कप दूध। जी हाँ, थोड़ा सा बाद में दूध ज़्यादा लगेगा, यानी जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। अब इन तीनों को फिर से ग्राइंड कर लेते हैं हम अच्छी तरह से, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तीनों ग्राइंड हो चुके हैं। इसमें हमने दही भी यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा दही डाल के यूज़ करती हूँ, तो आज हम दही डाल के ना बना रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में हम इसे डाल देते हैं, तो सारे मिक्सर ग्राइंडर में से इस तरह से निकाल लें, और ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम थोड़ा सा दूध यानी दो चम्मच दूध और डाल के इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे, तो जो लगा हुआ है ना उसमें मिक्सर ग्राइंडर में, तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करें इसे। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी दिख रहा है इसमें आपको। तो देखिए मिक्स करें तो ये गाढ़ा लग रहा है, लग रहा है ना गाढ़ा। तो इसमें हम ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में दो चम्मच और दूध डाल के इसे हल्का सा मिक्स करें, सारा जो लगा हुआ है निकल जाए। और ये देखिए दूध डाल के इसे हमने ग्राइंड किया है, तो हल्का सा ये निकल गया। थोड़ा सा और इस तरह से कर लेते हैं, तो जो भी बचा खुचा है वो भी निकल जाएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाने दें। अब इसे भी हम इसमें डाल देते हैं।
और इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से बैटर बनाकर तैयार करना है। और आप देख रहे हैं किस तरह से रिबन की जैसे ये हमारा बैटर किस तरह से ड्रॉप मैं कर रही हूँ, तो रिबन की जैसे इस तरह से ड्रॉप हो रहा है, बस इसी तरह से बना लें आप। जो हमने तैयार किया था इसमें हम डाल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करें, ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए और ना ज़्यादा पतला चाहिए, सभी को डाल दें इसमें। सभी को हमने डाल दिया, थोड़ा सा टैप करके इसे हम ये सेट कर देंगे ताकि जो भी एयर बबल से वो निकल जाए। अब इसमें हम थोड़े से यहाँ पर टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, काली किशमिश डाल सकते हो, जो मन जो आप डाल सकते हो। टूटी फ्रूटी कस्टर्ड के साथ बहुत ही अच्छे जाते हैं, तो डाल दिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हम लोहे के तवे पे हम इसे बनाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोहे के तवे में धुआं उठ रहा है और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने हाई रखा है और इस पैन को इसके ऊपर हमने रख देना है। जी हाँ, हाई फ्लेम पे लगभग हम इसे एक मिनट, जी हाँ एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करी देख कीजिए, एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम रहने देंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। मैं तो कहूँगी कि आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करें। और एक बात और शेयर करूँगी, ये जो मेरा तवा है ना लोहे का, वो थोड़ा सा पतला है और जो हमारे सॉस पैन है वो थोड़ा सा भारी तले का है, तो ये आप खास ख्याल रखें। अगर लोहा मोटा है तो सॉस पैन पतला ले सकते हो, अगर सॉस पैन मोटा है तो लोहा तवा पतला हो सकता है। अब यहाँ पे हम इस ढक्कन से ढक दिए हैं और यहाँ पर एक भारी ये लोहे का जो मूसल होते हैं ना, वो हमने भारी तले का इस पे रख दिया ताकि इसमें से एयर पास नहीं हो और अच्छी तरह से बेकिंग हो। अब देखिए एक मिनट हो चुका है, इस गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं मीडियम और इसे अच्छे से कुक होने हैं 30 मिनट। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, चलिए मैं हटा कर देखती हूँ। तो अभी थोड़ा सा हल्की सी कसर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी है, तो इसे मैं 10 से 15 मिनट और इसे रखूँगी, तो लगभग 40 से 45 मिनट हमें लग जाएंगे इसे बेक होने में। तो आप देख सकते हैं ये हाथों में हमें छुरी तो हल्का सा लग गया, तो अभी 10 मिनट इसे हम और रखेंगे ताकि ऊपर से अच्छे से ये कुक हो जाए। तो फटाफट इसे हम रखेंगे, देर नहीं करेंगे, और प्लेट भी रख देते हैं और लोहे के वो भी रख देते हैं। केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ चाकू डाल के। बिल्कुल भी बैटर इसमें नहीं लगना चाहिए, बैटर लगे तो आप इसे दोबारा कुक कर लें। तो लगभग हमें इसे बेक करने में 45 मिनट लग गए हैं मीडियम फ्लेम पे और बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। केक को अच्छी तरह से यहाँ पे ठंडे होने दें, तो लगभग 2 घंटे के बाद इसे हम चेक। केक बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं और पूरी अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद इसे डीमोल्ड करें। इसमें कस्टर्ड जो पाउडर है ना, कॉर्नफ्लावर, तो वो टूटने का डर रहता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो लगभग 2 घंटे के बाद इसे हम इस तरह से इसका रैपर हटा लेते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन निकला है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट इसका ब्राउन कलर आया है चारों तरफ से और बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो इसे चलिए हम आपको कट करके दिखा देते हैं, बच्चे अभी से ही खाने के लिए परेशान हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे ये कटती है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये, बहुत ही मज़ेदार का लग रहा है। और ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये बेक हुआ है, इसके ऊपर की शाइनिंग आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिए।